रविंद्र शुरू करो करो जी करो। सर्वप्रथम गुरु रविदास जयंती पर सबको बधाई। एक महान संत हमारे भारत देश में हुए पैदा, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। पाखंड के खिलाफ उस टाइम पे महान संत हुए कबीरदास जी, गरीबदास जी, रविदास जी, बाबा हरिदास जी, ये लगभग एक ही समय में हुए थे। मैं बधाई देता हूँ आप सभी को। और आज जिस विषय को लेकर के मीटिंग बुलाई है वो लगातार गैस के सिलेंडरों में बढ़ोतरी। पिछले एक महीने में 100 रुपये के हिसाब से सिलेंडर बढ़ा है, प्रति सिलेंडर। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, जिससे आम आदमी को सरकार ने लूटने का काम किया, आर्थिक तौर पर हर आदमी को चोट पहुंचाई। पिछले एक महीने में 100 रुपये बढ़े हैं गैस के सिलेंडरों में, और 3 महीने में 200 रुपये बढ़े हैं। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो उस टाइम पर अगर 5 रुपये 2 रुपये बढ़ जाया करते तो बहुत प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन आज चुप है और थोप देते हैं कि तो कंपनियों का काम है। क्या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या सरकार की है ये नहीं बताते हैं। पेट्रोल 16-3-20 को लगभग एक साल पहले 70 रुपये 33 पैसे लीटर था, आज 89 रुपये 28 पैसे लीटर। और कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 100 के आसपास पहुंच गया। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग, क्योंकि प्रदेश सरकार के टैक्स अलग अलग है। ऐसे ही डीजल, ये तो मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं, कई प्रदेशों में पेट्रोल 97 रुपये से ऊपर चला गया 100 के आसपास, और डीजल 16-3-20 को 62 रुपये 20 पैसे था, अब 82 रुपये 21 पैसे, यानी 20 रुपये 1 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से एक साल हुआ नहीं है डीजल के दाम बढ़े। इसके अलावा ये पहली बार हुआ है फ्यूल टैक्स, ये जो पूरे वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फ्यूल टैक्स लगाया जा रहा है। इंडिया में फ्यूल टैक्स है तेल पर 69 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर, इटली में 64 रुपये, फ्रांस में 63 रुपये, जर्मनी में भी 63 रुपये, यूके में 62 रुपये, स्पेन में 53 रुपये, जापान में 47 रुपये, कनाडा में 33 रुपये और यूएसए में 19 रुपये। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्यूल टैक्स हिंदुस्तान में लगाया जा रहा है, जिससे आम आदमी की जेब पर वजन पड़ता है, मतलब जेब ढीली हो जाती है। किस चीज पे लगता है फ्यूल टैक्स? पेट्रोल डीजल 69 रुपये लीटर, 69.3% कह रहे हम, 69.3% सबसे ज्यादा है ये दुनिया के। हमने 10 ये लिए हैं देश, उसमें मैंने बता दिया 69.3% इंडिया में है, और इटली में 64, फ्रांस में 63, जर्मनी में 63, यूके में 62, स्पेन में 53, जापान में 47, कनाडा में 33 और यूएसए में 19% फ्यूल टैक्स। किस तरह से लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान की जनता पर अनेक तरह की कठिनाइयां आई, उसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा
इस एक साल के दरमियान 215% बढ़ा है। पेट्रोलियम का 120% बढ़ा है पेट्रोल। ये दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 का है। अलग अलग है, इंडियन अलग अलग है, भारत पेट्रोलियम का अलग है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अलग। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल प्रति 10.38 रुपए लीटर और डीजल प्रति 4.52 रुपए लीटर 2014 में, जब इनकी सरकार आई। और आज फरवरी 2021 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 32.98 रुपए लीटर और डीजल पर है 31.83 रुपए लीटर, जबकि तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में घटी है, बढ़ी नहीं। कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो 40% बढ़ी है 2014 से लेकर के 2021 तक के आंकड़े हैं मेरे पास। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत, क्रूड ऑयल 2014 में था $106.85 प्रति बैरल और उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत थी ₹71.41, डीजल की कीमत थी ₹56.71। उसके बाद 2015 में $63.82 पर आ गई। उसके बाद में 2016 में $45.1 पर आ गई। मई 2017 में $50.57 पर आ गई। मई 2018 में $75.25 प्रति बैरल 2018 में आ गई प्रति बैरल। 19 में $70.1 प्रति बैरल के हिसाब से ये रेट आया और मई 2020 में $30.61 प्रति बैरल के हिसाब से आया और फरवरी 2021 में $62.88 प्रति बैरल के हिसाब से आया। मई में जो सबसे कम $30.61 प्रति बैरल के हिसाब से जो रेट था इंटरनेशनल मार्केट में, उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत जो है ₹69.59 थी मई 2020 में और डीजल की कीमत ₹62.29। लेकिन अब 2021 में जब ₹62.88 प्रति बैरल का रेट है इंटरनेशनल मार्केट का, तो फिर पेट्रोल की कीमत है ₹90.58 प्रति लीटर और डीजल का रेट है ₹80.97 प्रति लीटर। कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है, कई प्रदेशों में ₹97 तक चला गया पेट्रोल, ₹97.98। ये तो हरियाणा के आंकड़े बता रहे होंगे, ₹90.58 और डीजल ₹80.97। तो किस तरह से लोगों की जेब खाली करने का एक तरीका बना लिया सरकार ने, आपदा में अवसर तलाश करके। इसके अलावा हरियाणा में भी, क्योंकि ये बात आई नहीं है लॉकडाउन के टाइम पे, हरियाणा की सरकार ने भी इस किस्म के अनेक कानून बना दिए जिसकी वजह से आम जनता को पता भी नहीं चल पाया और बहुत भारी नुकसान आम आदमी का होगा, विशेष तौर पर गरीब वर्ग का। इन्होंने 4000 आंगनबाड़ी केंद्र और प्राइमरी स्कूल, 4000 हरियाणा सरकार ने 4000 आंगनबाड़ी केंद्र और प्राइमरी स्कूल प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दिए। उनका ना कोई ऑनलाइन कोई फार्म मांगे गए और ना ही लोगों को पता चलने दिया। जो ये कह रहे हैं कि तीसरी कक्षा से लेकर के 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को उसमें शिक्षा दी जाएगी प्ले स्कूल के नाम से, उनको दे। और वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के जो सीईओ हैं,
वो मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि आरएसएस से जुड़ी हुई है, बॉम्बे की कंपनी है, उनके बॉम्बे में दफ्तर उनका है, दिल्ली में ऑफिस, किसी को पता नहीं लगने दिया। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं काम करती हैं, वे मैक्सिमम विडो हैं, विधवा हैं। आप पता कर लियो कहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिलाएं मैक्सिमम विडो हैं, गरीब घरों से, उनकी नौकरी जाएगी। उन्होंने बहुत प्रदर्शन भी कर लिए, कई बार कोई सुनवाई नहीं होती, लोगों को पता नहीं चल जाए। तो ये इस किस्म के जो काम हो रहे हैं, विशेष तौर पर बेरोजगारों के लिए ये सरकार और ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रही है। नारा तो प्रधानमंत्री जी ने दिया था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने की बजाय नौकरी छीनने का काम ही सरकार ने किया। अब टीचर्स की भर्ती को लेकर के भी पीछे विज्ञापन निकला था, वो रद्द कर दी गई। 600 ग्राम सचिव लगाने थे सरकार ने, आपको पता लग गया होगा पीछे अखबार में आई थी, 672,000 युवाओं ने फार्म भरे थे, 672,000 पेपर देने के लिए चले गए वो लोग, फार्म का पैसा जमा कराने का, आने जाने का खर्चा कितना होता है, रुकने का इंतजाम सर्दियों के टाइम पे, बहन बेटी अगर है तो माँ बाप को साथ जाना पड़ेगा, शादीशुदा है तो घरवाले को साथ जाना पड़ेगा, अकेली बहन बेटी जा नहीं सकती। तो ये एक फार्म पे कई हजार रुपए का खर्चा हुआ है एक बच्ची के ऊपर, 5-5, 6-6, 10-10 हजार गाड़ी लेके जाते हैं, किराए पे गाड़ी करके जानी पड़ेगी, और फिर वो पेपर नकल, उसमें हर एक पेपर लीक हुआ है इनका, इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए किसी सरकार में हुए ही नहीं। फिर वो पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने, जो उस महकमे का वजीर है उसको क्या दंड दिया सरकार ने, 672,000 युवाओं के साथ जो अब उन्होंने अब फिर निकालेंगे, उन्होंने फिर फार्म भरने पड़ेंगे, फिर वो एग्जाम के लिए जाएंगे, उसमें कुछ ओवरेज भी हो जाएंगे। तो ये कहाँ का न्याय है युवाओं के साथ। तो इन सब एक बहुत ज्यादा बड़ी भारी समस्या है क्राइम की, और क्राइम के मामले में तो सारी सरकारों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस सरकार में जितने क्राइम हुए हैं कभी हुए नहीं है। आप अगर आंकड़े उठाओगे तो मेरे पास आंकड़े भी है, मैं बता भी दूंगा। जहां बदमाशी चरम सीमा पर है, वहां आज अखबार में मैंने पढ़ा था, एक सोनीपत में एक टैक्सी वाला लूट लिया बदमाशों ने, और उसके कपड़े तक भी उतरवा लिए, कच्छा भी नहीं छोड़ी उसके तन पे। वो बेचारा रात को खेतों में जाकर के मुद्दा पड़ गया शर्म का मारे, वो तो किसान आ गया कोई, और उसने अपने घर से ले आकर के उसको कपड़े दिए। सरकार का ध्यान ही नहीं बातों की तरफ। अभी कृषि संबंधी जो कानून बनाए हैं, इन कानूनों को लेकर के किसी किसान संगठन ने कोई भी किसी किस्म का मांग पत्र अगर सरकार को दिया हो तो सरकार बताए। मोदी जी कहते हैं भाई हमने तो किसान की आय बढ़ाने की, किसान की आय दोगुनी करेंगे, किसान कहते हैं उन्हें नहीं छोड़ दो, आय दोगुनी नहीं, ये तो अडानी और अंबानी की आय कई गुना बढ़ाने के लिए किए, अनेक मुद्दे। इन सब मुद्दों को लेकर के विशेष तौर पर बेरोजगारी का, क्राइम का, भादुगढ़ में भी अभी पीछे 4-5 दिन पहले एक घटना घटी थी, मैंने भी उनसे टेलीफोन पर बात की थी, मैं बाहर था। तो क्राइम जो करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार। मुझे अखबार में पड़ गया, श्री विभाग आज तो जून साहब भी अखबार में आई हुई खबर कि मेरे को फोन कर देना कोई दिक्कत आए तो। 6-7 महीने तक तो दर्शन भी नहीं हुए माशे के, दिल्ली रहे हैं दर्शन भी नहीं होते। अगर किसी का टेलीफोन फीड नहीं है तो टेलीफोन उठाते ही नहीं कहते, फिर किसके पास फोन करेंगे लोग। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से 8 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम भादोगढ़ में करने जा रहे हैं, और हमारी पार्टी के नेता
भाई अभय सिंह चौटाला जी से भी हमने निवेदन किया है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो 8 तारीख को 11 बजे 10 बजे लेकिन 11 से तो चल पड़े गर्मी हो जाएगी। तो क्या पूरे प्रदेश में होंगे इस तरह से प्रदर्शन या सिर्फ बाद में? हमने फिलहाल क्योंकि आगे का प्रोग्राम देखना पड़ता है हमने, अब बाई इलेक्शन है 2 हरियाणा में, मुझे लगता है कि शायद सरकार 5-6 तारीख को इलेक्शन बाई इलेक्शन भी डिक्लेयर कर दे। ये सेशन है ना विधानसभा का 2-3 दिन का होगा, ये उसके तुरंत बाद ये चुनाव डिक्लेयर होंगे दो जगह जो बाई इलेक्शन हरियाणा में लगता है, क्योंकि टाइम आ जाएगा इसका भी। तो आगे का प्रोग्राम विधानसभा सेशन खत्म होने के बाद में बना होंगे। ये इस किस्म की अनेक घटनाएं पूरे हरियाणा में घटित हुई है, विशेष तौर पर क्राइम की, सरकार का ध्यान नहीं है इसमें। सेशन की बात करिए, इसमें ज्ञापन वगैरह भी है प्रदर्शन है, ज्ञापन भी देते हैं। सेशन की बात करिए कि लव जिहाद और सरकारी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का कानून लाने जा रही सरकार। सरकार उनसे तो वसूली करे जिसने कई सौ करोड़ के घोटाले कर लिए इनकी सरकार में, जो लोग बैठे हैं। रजिस्ट्री का घोटाला है, धान का घोटाला है, सरसों का घोटाला है, शराब घोटाला है, रिकवरी करो ना सरकार। लोगों का ध्यान बांटने के लिए अनावश्यक कानून बनाने की कोशिश करती है सरकार। कौन कौन से कानून बना रहे हैं? लव जिहाद वाली बात करते हैं, बनाया था यूपी में, स्टे हो गया उस पर। कानून बनाने से काम नहीं चलता ना, इंप्लीमेंट कौन करेगा? कानून तो बना देते हैं, इंप्लीमेंट तो होते ही नहीं। अनेक तरह के ऐप बना दिए, लोगों को पता ही नहीं। ये तो कहते थे इनकी साझेदार पार्टी दिक्कत है, 5100 रुपये पेंशन देंगे, दे दी क्या? हिंदुस्तान में 4216 MLA हैं, 4216, 544 MP हैं, 260 राज्यसभा के मेंबर हैं मनोनीत समेत, किसी एक भी MLA ने, राज्यसभा के मेंबर ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे करके आया कोई? क्या नहीं आया। ये कानून बनाए थे कांग्रेस ने, पास इन्होंने कर दिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी उस टाइम पे। 2012 में रखे थे ना पार्लियामेंट में, पहले कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी। कांग्रेस के लोगों ने ये टूर पे जाएंगे वहां भाषण झाड़ कर फोटो लेकर गए अखबार में देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, तोड़ के दे दिखाओ, अच्छी बात है सरकार टूटे। अब हुड्डा साहब का बयान आया था, दीपेंद्र जी का भी बयान आया एक बार, मैंने फिर चंडीगढ़ में दिया था कि वो उन्होंने कहा कि भाई अगर उस टाइम पे भाई साहब ने घोषणा की 8 जनवरी को, या बाधवगढ़ में देखी थी आपके सामने कि 26 जनवरी तक अगर कानून वापिस नहीं लिए तो मैं 27 रिजाइन दे दूंगा। तो किसी ने कहा कि ढोंग रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं। हुड्डा साहब का बयान आया कि इससे विपक्ष कमजोर होगा, सरकार को ताकत मिलेगी, हम अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। पिछले नवंबर में सेशन था जब भी ये मुद्दे थे, क्यों नहीं लाए प्रस्ताव, वॉकआउट करके चले गए। फिर सारी बात आप सारे समझते हो, वो भी समझे इस बात ने कि कोई किसी सरकार को गिराने के लिए या किसी सरकार का प्रस्ताव गिराने के लिए या अपोजिशन का प्रस्ताव पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए, 90 का हाउस 46 चाहिए। अब ऐसे में इस्तीफा दे दिया तो 89 रह गए, अब 45 चाहिए, 89 में तो 45 ही है ना, तो फिर 45 करो, तोड़ो सरकार को। अच्छी बात, हमारा तो एक कथा किसानों के आत्मों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि किसानों की डिमांड थी कि भाई इस्तीफा दे करके आओ। लेकिन ये केवल दिखावा ही करें, हमारी पार्टी का ही कार्यकर्ता बैठा है सारा चारों तरफ उनकी मदद के लिए। धरातल पर अगर कोई मदद कर जाती इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तरफ, कल परसों में स्टैम्प ड्यूटी भी 2% बढ़ा दी ग्रामीण क्षेत्रों में, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाएंगे, घोटालों पर पर्दा डालेंगे,
आप सारे शहर के बासिंदे हो, एक भी रजिस्ट्री बगैर पैसे के करा के दिखाओ कोई, 300 रुपए का मांगे तहसीलदार, एक भी रजिस्ट्री कराओ बगैर पैसे, 300 रुपए का, पहले 200 थी 300 होगी, जितनी सरकार शक्ति करेगी उतने पैसे बढ़ते चले जाएंगे, महंगाई भत्ता बढ़ जाएगी।